मैं FSC कर रहा था तो अभी सेकंड ईयर में था कि जो मेरी साइट है वो अचानक इतनी गिर गई कि फिर मेरे लिए आम प्रिंट को पढ़ना नामुमकिन हो गया। जहाँ तक बीमारी का ताल्लुक है, इसे इट्स कॉल्ड रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा और ये एक जेनेटिकल प्रॉब्लम है, लेकिन इसने स्ट्राइक जो किया है, डिटेरिएशन जो आई है मेरी साइट में, वो FSC के दौरान आई थी। तो तब से मैंने फिर जो है ना जो फर्दर स्टडीज़ हैं वो मैंने थ्रू ऑडियो कंटिन्यू की, और जब कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से मैं वाकिफ़ हो गया 2000 में, तो फिर आई स्विच ओवर टू कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। मुश्किलात ज़ाहिर है जब आपके साइट इज़ आफ्टर ऑल अ वेरी मेजर सेंस, तो जब ये कमी हो तो कोशिश तो करते हैं कि इसकी कमी को जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी है इसके थ्रू पूरा कर सकें, लेकिन फिर भी असिस्टिव टेक्नोलॉजी तो ज़ाहिर है आपकी आई साइट की नेमल बदल हो तो नहीं हो सकती, तो प्रॉब्लम तो थोड़ी बहुत आती हैं, लेकिन असिस्टिव टेक्नोलॉजी की मौजूदगी में वो प्रॉब्लम्स फिर सॉल्व भी हो जाती हैं। तो एज सच टीचिंग में इतने ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे नहीं है। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जो कि एक स्क्रीन रीडर होता है, और जो स्क्रीन रीडर मैं इस्तेमाल करता हूँ उसे जॉब्स कहते हैं, जॉब एक्सेस विद स्पीच। तो जो टेक्स्ट होता है, कंप्यूटर के जो आइकॉन्स होते हैं, टेक्स्ट होते हैं, जो भी अवेलेबल चीज़ें होती हैं वो आपको रीड आउट करता है। आने जाने में ये जो सराउंडिंग्स है यूनिवर्सिटी मलागन के, इससे तो मैं फेमिलियर हूँ, तो मैं इंडिपेंडेंटली भी मूव कर सकता हूँ। जो अनफेमिलियर प्लेसेस होती हैं वहाँ पर मूवमेंट में थोड़े से प्रॉब्लम्स होते हैं। वैसे भी मेरी रिहाइश जो है ना यूनिवर्सिटी ऑफ मलागन की जो रिहायशी कॉलोनी है उसमें है, स्टूडेंट अर्ली इन द मॉर्निंग आ जाते हैं तो वो मुझे अकम्पनी करते हैं इधर डिपार्टमेंट तक, और जब क्लासेस ख़त्म होती हैं तो जैसा आपने ऑब्जर्व किया तो स्टूडेंट मेरे साथ क्लास ऑफिस तक भी जाते हैं और फिर घर तक भी जाते हैं। ओके, सो लास्ट टाइम वी टॉक्ड अबाउट कोर्स बुक।